नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और दिल की बात में इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड के नए नवेले और यंग म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर पलाश हैं। पलाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। थैंक यू। काम किया बीते दिनों, आप डायरेक्टर भी अब एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं और आपका एक नया शो आ रहा है रिक्शा, उसको लेकर बात करेंगे। मैंने प्रोमो देखा, बहुत ही सरल और अच्छे लोगों को लेकर आपने बनाया है, बढ़िया। तो आपको शुभकामनाएं सबसे पहले। थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे, आपको अच्छा लगा प्रोमो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिल से बनाया है एंड सरल है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है, बहुत सारे मैसेजेस है इसमें, तो दैट इज द मेन थिंग। ये जो आपका म्यूजिक, आपका ये जो शो है, इसमें अनु मलिक को जोड़ना ये सबसे बड़ी बात है। अनु मलिक को एक्टिंग करवाना, क्या ये पूरी फीचर उसमें शो में दिखेंगे अनु मलिक की, एक छोटे से मतलब छोटे समय के लिए आए हैं वो मेहमान कलाकार? जी बेसिकली 4 एपिसोड है एंड हर एपिसोड में विजेंद्र सर तो है ही, उनके साथ अलग अलग लोग आते हैं जो बैठते हैं सवारी, जैसे हम लोग मुंबई में देखते हैं कौन कौन आके बैठते हैं, तो उसी में मैंने सोचा कि हम लोग भी, सब लोग बैठते हैं मुंबई में, भले वो BMW वाला इंसान हो या फिर जो नॉर्मल रिक्शा हम लोग यूज करते हैं वो हो। तो सेलिब्रिटीज में अनु सर बहुत मुझे पसंद है और मैं उनको बहुत ही ज्यादा, यू नो, एज अ म्यूजिक कंपोजर बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग मानता हूँ। एंड तो एक जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें अनु जी है एंड जो थर्ड एपिसोड उसमें मेरी बहन है पलक, एंड आगे वाले एपिसोड्स आएंगे season 2 में तो इंशाल्लाह उसमें और सेलिब्रिटीज दिखेंगे आपको। तो अनु जी के साथ तो बहुत मजा आया, उन्होंने ऑन द स्पॉट एक गाना भी कंपोज किया, अंदर बैठ के शायरी भी की है, तो बहुत मजेदार है। एंड उसके बाद थोड़ा सा डार्क है एपिसोड में, डार्कनेस है, तो वो दोनों को लेवल किया है। राइट, तो अनु मलिक को जब आपने मतलब अप्रोच किया था, क्या कुछ कहा था कि सर ऐसा रोल होगा, या वो अपने आप मान गए थे कि बिकॉज अनमोल के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, आप लोग साथ में काम कर रहे हो, तो अनमोल ने अप्रोच किया था कि आपने अप्रोच किया था? जी, अनु सर को मैं जानता हूँ, जब मैं 9-10 साल का था उनके एक शो में गया था, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा मैं, जहाँ मैंने कीबोर्ड जो होता है वो सर से, चिन से और नी से बजाया था। तो जब से उनका प्यार मेरे ऊपर है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो मैंने उनको बोला कि मैं वेब सीरीज डायरेक्ट कर रहा हूँ शिल्पा शेट्टी राजकुंद्र सर की, एक नई OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो उन्होंने बोला अरे बहुत सही, क्या कॉन्सेप्ट है? तो जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो उनको वो बहुत अच्छा लगा, तो बोलते तू चाहता है मैं आऊँ? मैं बोला हाँ सर बिल्कुल, एंड वो डरे हुए थे थोड़ा कोरोना को लेके, मैंने बोला सर सब कुछ एकदम सेफ रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत करें, हम लोग सब सैनिटाइज है एंड प्रिकॉशन लेके काम करें, सबका टेस्ट हुआ हुआ है। फिर वो आए थे, उन्होंने उल्लासनगर मुंबई से ऑल द वे ट्रेवल किया एंड वहाँ पे हम लोगों ने एक डे पूरा शूट किया उनके साथ, तो बहुत इजीली मान गए, तो उनको कॉन्सेप्ट बेसिकली बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज मुझे बहुत बार डर भी लगता है सर के साथ, क्योंकि वो जब उनको कुछ चीज पसंद आ जाए तो वो फुल इनटू इट है, वो बहुत प्यार देते हैं। अच्छा, बाकी स्टार कास्ट की बात करते हैं, इसमें और एक धुरंधर कलाकार है ब्रिजेंद्र काला जी, और उनको कैसे अप्रोच किया, उनको क्या बताया था, क्या कुछ, और वो कितनी आसानी से एग्री हो गए थे? जी, मैं भी उनको इन्हीं भी बहुत पहले से जानता हूँ, मैंने पूतना रिटर्न्स में म्यूजिक दिया था पार्टी तो बनती है सॉन्ग, तो उनके प्रीमियर में मैं मिला था ब्रिजेंद्र सर से एंड मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है, उनके हर जो रोल है उनका कुछ ना कुछ वो छाप छोड़ के जाते एक तरह से, तो मैंने उनको अप्रोच किया इसके लिए, पहले फेसबुक पे मैसेज किया, फिर उनके नरेशन के लिए बुलाया उनको, मैं नरेट किया पूरी स्टोरी, उनको भी कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, आपके लिए एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर कैसे आम जिंदगी से जुड़ता है उसके ऊपर है, उनको भी इतना मुश्किल नहीं लगा उनको बोर्ड पे लाना, बिकॉज कैरेक्टर उनका बहुत अच्छा है।